नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ मूंगफली और बेसन से बनी हुई चटपटी नमकीन रेसिपी। एक बार इस तरीके से मूंगफली और बेसन की नमकीन बनाइए, जो बहुत ही आसानी के साथ जल्दी बनकर तैयार हो जाने वाला है यह रेसिपी। मूंगफली का नमकीन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कटोरी का बेसन लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, एक चम्मच डालेंगे चाट मसाला, एक चम्मच भर के डालेंगे आमचूर का पाउडर, हींग डालेंगे 2 से 3 चुटकी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी की सहायता से एक घोल तैयार करेंगे। यदि यह रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह से एक गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे और यहाँ पर लिया है एक कटोरी का मूंगफली। मूंगफली डालेंगे फेटी हुई बेसन के अंदर और इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में डालेंगे खाने का सोडा, 2 से 3 चुटकी खाने का सोडा डाला है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से गैस के ऊपर कढ़ाई चढ़ाएंगे, तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब इस तरह से मूँगफलियों को डाल लेना है बेसन के साथ। जब थोड़ा पक जाए तब चाकू या किसी चम्मच की मदद से इसको अलग कर देना है और इसे पौने के मदद से उलट पलट कर चला कर अच्छे से पका लेना है। देखिए कितनी अच्छी नमकीन बनकर तैयार हुई है और बिना किसी मेहनत के। एक बार इस तरीके से अवश्य ट्राई करिए। इसे आप नाश्ते में चाय के साथ किसी के भी साथ सर्व करिए, सबके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है।